राहुल बाबा का फोटो ही नहीं है पूरे इनके कांग्रेस के वचन पत्र। बदले लेने वाली बात नहीं, कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ वो, आप कहाँ कहाँ तुलना कर रहे हो। वो तो हमारे सिंधिया जी तो दिलों में हैं, इसलिए वो वाली बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री दोनों के फोटो हैं, पर राहुल बाबा का नहीं है। जो इस बात का द्योतक है कि ये अब समझ गए कि राहुल बाबा से अब वोट नहीं मिलते, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब वोट नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ विनोद की वस्तु है। वो तो सौभाग्यशाली थे वो कि वहाँ पर माननीय अमित शाह जी या उनकी सभा नहीं हो पाई माननीय प्रधानमंत्री जी की, वरना वो एकमात्र भी आप नहीं कह रहे होते अभी। और उनके पिताजी अकेले संभाले हुए, बाकी के नेता तो प्रदेश से गायब ही हैं लगभग। आज मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी को कोई सभा में नहीं बुला रहा, इतना खाली मत छोड़ो उनको, वो ऐसे ही कैसे शिकायतें करेंगे। इनका कभी किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास रहा ही नहीं है। अगर सेना आतंकवादी को मार देती है तो सेना खराब है, अगर न्यायपालिका इनके खिलाफ में कोई फैसला दे देती तो न्यायपालिका पे उंगली उठा देते हैं, और चुनाव में हार जाएं तो कह देते हैं ईवीएम खराब है। अब ये फिर उसी की रिहर्सल की ओर जा रहे हैं। आप चिंता नहीं करो, उपचुनाव के परिणाम आने के पहले ये वही बात कहते मिलेंगे कि ईवीएम खराब है और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये उसी दिशा में बढ़ रही है कांग्रेस और कमलनाथ। किसने किया है? आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा, तो ट्वीट ही करते हैं। और ये संघ संविधान, ये जो सोच है ना, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की है देश के अंदर। जब भी चुनाव आता है हमारे HC के वोटों को प्रभावित करने के लिए, पहले संविधान में उन्होंने कहा कि ये पहले चुनाव में कहा कि ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म, वो बात खत्म। दूसरा चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर देंगे, चुनाव खत्म, वो बात खत्म। ये चुनाव जो आया था 2 साल पहले, इसमें इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे, चुनाव खत्म, फिर हरिजन एक्ट खत्म। अब फिर चुनाव है तो फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जैसों की ही मानसिकता हो सकती है। ट्वीट उनका एक ही और है आज, महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई है। इनने 370 हटने पर खुशी नहीं जताई, 35A पर खुशी नहीं जताई, लद्दाख पर खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा पर खुशी जता रहे हैं। इससे ये सोच समझ में आती है कि किस तरह की मानसिकता है दिग्विजय सिंह जी की। वो खुद जाके देख ले खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आज पूरा देश का मीडिया वहां पर है, कोई खबर आ रही है क्या? ये सोचें जरा, जब इनके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब का आतंकवाद और आज की तुलना कर लें, पूरे देश की आतंकवाद की तुलना कर लें माननीय दिग्विजय सिंह जी। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला अनाउंस घुसो स्टेशन पर तो यही आता था, किसी भी लावारिश पड़ी हुई वस्तु को हाथ ना लगाएं, उसमें बम हो सकता है। मोदी जी के आने के बाद सुना आपने ये अनाउंस किया? आतंकवादी घुसते थे तो कभी अक्षरधाम में और कभी बम्बई के ताज में, देश भर में बम ब्लास्ट हो जाते थे, चलती रेल में बम ब्लास्ट हो जाते थे। आज कश्मीर से ही नहीं निकल पा रहे। पहले पाकिस्तान की गोली आती थी तो यहाँ से सफेद वार्ता होती थी, कबूतर उड़ाए जाते थे, अब उधर से गोली आती है, इधर से गोला जाता है। ये अंतर है, आंख नहीं दिखा पा रहा। जब मनमोहन सिंह जी थे और दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय महासभा थे, रोज कहते पाकिस्तान बम, क्या करें हम, अब हमारा प्रधानमंत्री है,
जो आतंकवाद से निपटना जानता है और ऐसी देश तोड़ने वाली ताकतों से निपटना जानता है। सर, फोटो कर रहे हैं नेताओं के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए कि प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है कोविड को। नहीं, अब तो नई गाइडलाइन आ गई है और हाई कोर्ट के हर निर्देश का पालन किया जाएगा। तो बीजेपी के और कांग्रेस दोनों के नेता हैं तो इनके पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करें। मैंने कहा ना कि न्यायालय का पूरा सम्मान करती है, यहाँ कानून का राज है और पूरा सम्मान उच्च न्यायालय का किया जाएगा। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े। देखो, हमारा घोषणा पत्र तो विकास से जुड़ा हुआ है और रोज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, सिंधिया जी बोल रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता बोलते हैं, वही बातें हमें लिख के देना है, बहुत जल्दी आपके सामने होंगी। चुनावी सभा को बहुत अच्छी रिकवरी रेट प्रदेश की इसकी हो गई है और अब आप देखेंगे एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी पूरे प्रदेश क्या देश में ही आना एक बार कम हुए हैं। ये कोविड अब डाउन की ओर है, अब इसका बैक आता है कि नहीं आता है ये विशेषज्ञों की राय के ऊपर है, लेकिन निश्चित रूप से अब इस दिशा में सुधार काफ़ी है।